बच्चों, हमने सोलेनोइड का डिस्कशन देखा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला आया। एल की वैल्यू आपकी 5/i, और आपको क्लियर है कि आई अगर आप सोलेनोइड में बढ़ाएंगे तो 5 बढ़ेगा, है ना। तो सोलेनोइड का हमारे सर्किट्स में क्या रोल है, ज़रा देखा जाए। सोलेनोइड का सर्किट्स में देखो, रोल अगर देखा जाए तो कहाँ से आएगा, ये इस पॉइंट से आता है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं सोलेनोइड में करंट बढ़ाता हूँ, है ना, तो ऑब्वियसली उस रीजन में सोलेनोइड के अंदर फील्ड बढ़ेगी। फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स अगर बढ़ा तो क्या आता है, तो आप बोलोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सोलेनोइड के बारे में डिस्कशन दिया गया था, ये सोलेनोइड बिटाली आपने करंट ऐसे दी थी, अगर सोलेनोइड इस तरीके से है तो करंट इसमें इस तरीके से इस्टेब्लिश होती है। डन, करंट आपने ली, और करंट अगर ऐसी है तो आपकी मैग्नेटोफील्ड यहाँ पे स्टैब्लिश होती है इस तरीके से। ये बात हमने पहले पढ़ा, ये एंड साउथ या नॉर्थ आ गया। करंट मान लो इंक्रीजिंग है तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो सोलेनोइड कहेगी भाई मेरे में ईएमएफ आएगा ही आएगा, है ना। ये एक बैटरी बन जाएगी, ठीक है। सर, बैटरी कितने की बनेगी, तो ईएमएफ अक्रॉस सोलेनोइड अगर पूछा जाए वो कितना बैटरी बनेगा, कितने मैग्नीट्यूड का बैटरी बनेगा, तो देखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई की वैल्यू को आप एल आई लिख दीजिए, है ना। फाई की वैल्यू को क्या लिखा आपने, एल आई। भाई आप करंट बढ़ाओगे तो एल तो कांस्टेंट हुआ, एल बाहर आ गया तो आपका ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, सिंपल एल इंटू डी आई बाई टी टी। अगर सोलेनोइड में करंट बढ़ रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को एल से मल्टीप्लाई करने पे मुझे उस सोलेनोइड में ईएमएफ मिलता है। मतलब ईएमएफ के अगर मैं अभी तक देखूँ तो मेरे पास फॉर्मूले जो है उनमें मेजर फॉर्मूला क्या था, डी फाई बाई डी टी, फिर क्या आया बी वी एल, फिर क्या आया बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू, और अब क्या आ गया सोलनाइट के केस में, बोलो सिंपल सा एल डी आई बाई टी। सोलनाइट के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, एल डी आई बाई टी। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया बड़ा सिंपल सा, कि एक सोलनाइट ली बच्चे आपने, दिख रही है सोलनाइट में आपने एल की वैल्यू 6 हेनरी मान ली, नो डाउट 6 हेनरी एक बड़ी वैल्यू पर आपने मान ली, मिली हेनरी माइक्रो हेनरी होता है पर एल 6 हेनरी मान लिया। 6 हेनरी के सोलनाइड में पास करने वाली करंट 3 t है। समय के हिसाब से बच्चे आपका करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें ईएमएफ आएगा। ईएमएफ कितना होगा, तो सिंपल सा फाई कोड एल आई, 6 × 3 18 t। फ्लाइट फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट है, ईएमएफ की वैल्यू डी फाई बाई डी टी। सिंपल सा आंसर आ गया डी बाई डी टी ऑफ 18 t। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 18 वोल्ट। ये जो सोलनाइड है तो यहाँ पास 18 वोल्ट की बैटरी की तरह है, ये बैटरी है 18 वोल्ट की। अब दिक्कत क्या है, बैटरी जब भी आप देखते हो तो दिमाग में दो चीज़ आती है, पहला ईएमएफ और दूसरा पोलैरिटी। पोलैरिटी के लिए आज भी आपको मदद किसकी लेनी पड़ेगी, लेंस अंकल के। लेंस अंकल क्या बोलते हैं, जो भी इफेक्ट आएगा, इफेक्ट मतलब ईएमएफ आएगा, वो बेसिक कॉस को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो बेसिक कॉस क्या था, तुम ध्यान से देखो करंट की ग्रोथ, तो जो लेंज लॉ है वो कहेगा सर जो मेरी बैटरी आएगी वो करंट की ग्रोथ को अपोज करेगी। अब देखो करंट इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है ना, तो यहाँ पे जो बैटरी आने वाली ना, जो सोलनाइड है एक्चुअली में बच्चे, जो सोलनाइड आपको दिख रही है इस तरीके से, ये सोलनाइड एक नए रूप में आने वाली, वो बैटरी बनने वाली है। वो बैटरी क्या करेगी, उस करंट की ग्रोथ को अपोज करेगी, तो वो कहेगी भाई मेरी करंट आप अपोजिट ले लो। अरे बात समझ में, तो सर ये बैटरी जो होगी आपकी करंट की ग्रोथ को अपोज करने के लिए, नो डाउट अपोज नहीं कर पाएगी, है ना। ये आई इक्वल टू 3 t बढ़ता जाएगा। तो सर यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तरीके से सर बैटरी की चार्जिंग हो रही है करंट ग्रोथ पे, याद रखना अगर करंट ग्रोथ पे होगी तो बैटरी की जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो वाली बैटरी की चार्जिंग होगी। क्लियर। कब पूछे यहाँ से इस दोनों एंड के जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 18 वोल्ट। डन। चलो कल को ऐसा हो सकता है सोलनाइट, देखो बेटा सोलनाइट बनी तो होती है रेजिस्टेंस तार की, हम मान लेते हैं प्योर सोलनाइट है तो उसमें एल होता है उसका आर जीरो होता है, ये आइडियल सोलनाइट है प्योर सोल। ऐसा नहीं है, तार जो तुमने लिया होगा तार कुछ तो रेजिस्टेंस देगा ना, उसका अपना कुछ तो होगा, तार आर इक्वल टू रोयल बाय से, तो सोलनाइट है मान लो रेजिस्टेंस। सर सोलनाइड में रेजिस्टेंस मान लिया बच्चे कितना है, 6 ओम है, एल की वैल्यू 4 हेनरी है, करंट 3 t + 4। मेरा कहना है कि अब आप इस पर जो नज़रिया रखिएगा वो ये होना चाहिए कि सर देखो करंट ग्रोथ पे है तो बैटरी तो आएगी आएगी, और वो मैंने क्या बोला करंट ग्रोथ पे होगी तो बैटरी की चार्जिंग होगी, तो बैटरी की चार्जिंग होगी।
लेकिन उस सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो सर ये एक तरीके से क्या हो गया था, आइडियल सेल हो गया था, इसमें केवल क्या था, ईएमएफ था, यहाँ पे ईएमएफ विद बैटरी है। तो क्यों पूछे भाई यहाँ पे वी ए माइनस वी बी कितना होगा, तो आप कहोगे देखो सीधी सी बात सर ये आ गया कहानी इस तरीके से, सर ये आपकी आई आ गई, ये बैटरी आ गई ई, और ये आपका स्मॉल आर जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस है 6 ओम लिख दीजिए। चुपचाप अगर कोई पूछे वी ए माइनस वी बी बताइए, तो आप निकाल सकते हो। पहले ईएमएफ तो बताओ कितना होगा, ईएमएफ होगा बच्चे एल डी आई बाई डी टी, एल की वैल्यू 4 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 3 है, तो 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी। बहुत बढ़िया सर, 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी। फिर सर आप ए से आगे बढ़ोगे, ध्यान से देखो, ए से आगे बढ़ोगे तो पहले सेल में 12 वोल्ट का लॉस, फिर रेजिस्टेंस कितना 6, तो इसमें आई इंटू 6 का लॉस, और कहाँ पे आ गया बी पे, तो वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल हो गया, 12 प्लस आई इंटू 6। ये बात काफ़ी कुछ मिलती जुलती ई प्लस आई आर से भी है। तो 12 प्लस आई इंटू 6, करंट की वैल्यू बच्चे कितनी दी गई थी आपको, 3t+4, तो आपका आंसर बच्चे कितना आ गया, 12 प्लस 18t+24, तो 36+18t। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था टी इक्वल टू सेकेंड पर, तो टी इक्वल टू सेकेंड लिखोगे तो 36+18t, तो आपका 72 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर। ओके, तो वी ए माइनस वी बी जो ई एम एफ होगा, भाई देखो ई एम एफ अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो सिंपल ई होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये आना चाहिए, पर अगर चार्जिंग हो रही है डिस्चार्जिंग होगी तो उस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आर या ई माइनस आई आर होगा। क्लियर? अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं यहाँ पर, जैसे अगर दिया जाए यहाँ पर क्वेश्चन आपको, तो क्वेश्चन देखें बेटा, ये आ गया आपके पास, मैंने लिखा है यहाँ पर, एक सोलनॉइड ले लीजिए बेटा, देख रहे हैं ये सोलनॉइड ली बेटा आपने, ओके, ये सोलनॉइड बेटा आपके पास आती है यहाँ पर, ये आपने L लिखा है यहाँ पर, L मान लीजिए कितना है बच्चे, 6 हेनरी है ना, करंट की वैल्यू बच्चे आपने यहाँ पे 12-2t मान ली, और सही जो रेजिस्टेंस था इसके थ्रू वो बच्चे आपने कितना मान लिया, 2 ओम मान लिया। क्लियर? आपसे क्वेश्चन ने पूछा गया था सिंपल फाइंड वी ए माइनस वी बी है ना एट टी इक्वल टू डेट से 3 सेकेंड्स, तीसरे सेकेंड यहाँ से भी कितना होगा। भाई देखो यहाँ पे एक चीज़ पक्की है सर, सोलनॉइड से पास करने वाली करंट घट रही है, तो करंट घट रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स की वैल्यू बेटा आप लिख लीजिए सॉल्यूशन में क्या आएगी, एल इंटू आई 6×12-2t है ना। डिफ्रेंशिएट करिए तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 12, सिंपल सा फाइव की वैल्यू लिखोगे 72-12t, डिफ्रेंशिएट करोगे तो -12 आ गया, पर सेकंड आपका 12 वोल्ट घट रहा हो, ठीक है 12 वोल्ट की वैल्यू आएगी तो आपकी 12 वोल्ट। सब माइनस का मतलब क्या हुआ, सब माइनस का मतलब बच्चे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको क्या बोला है ईएमएफ किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ डी फाई बाई डी टी। देखो माइनस यहाँ पे तंग करता तुम परेशान हो क्या होगा, 12 वोल्ट है। अब जो ये बैटरी आएगी 12 वोल्ट की कैसे लगेगी, सर करंट घट रही है ना, तो फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो अब जो नई बैटरी आएगी वो क्या करेगी, नई बैटरी देखेगी क्या हो रही है, क्या तुम घट रहे हो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो इस बार ईएमएफ क्या करेगी बेटा, करंट को सपोर्ट करेगी है ना, पहले करंट की ग्रोथ को अपोज कर रही थी, अब करंट को सपोर्ट करेगी। तो अगर मैं पूछूं बच्चे कैसे आएगी, तो सर ये भले सोलनॉइड आपके पास ऐसी है पर यहाँ पे इस करंट के लिए पूछा जाए तो यहाँ पे आपकी एक बैटरी ऐसे आ जाएगी जो इसको सपोर्ट कर देगी, इसी करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और एक इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही बेटा। तो अगर बच्चे आप ए से बी की तरफ जाओगे तो पहले आपके पास आई आर आएगा, फिर ई आएगा और बी आएगा, तो टेक्निकली कोई पूछे कि सर करंट अगर इस तरीके से जा रही है आपकी तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू बच्चे इस बार कितनी हो जाएगी, ई माइनस आई आर। क्लियर? इस बार ये वाला एंड कैसा होगा बच्चे, हाई पोटेंशियल, तो वी बी माइनस वी ई माइनस आई आर आया। चलो जल्दी से बताओ बेटे, बच्चे ई की वैल्यू कितनी थी,
तो सर ये 12 वोल्ट था, आई कितना था, आई सर उन्होंने आपसे बोला है टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे, टी इक्वल टू 3 सेकेंड अगर रखोगे तो 12 माइनस 2 इंटू 3 के हिसाब से 6 हो गया। सर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 12 माइनस 12 के अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पे 0 आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर टेक्निकली हुआ क्या सर, 12 का लॉस हुआ और 12 का गेन हुआ, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, 0। डन? तो जो हमारे पास क्वेश्चंस बच्चे आते हैं सोलनॉइड में, सोलनॉइड किसकी तरह बिहेव करेगी, तो स्ट्रेट आंसर याद रखिए, सोलनॉइड आपकी बिहेव करेगी स्ट्रेट सेल की तरह। अगर उसमें करंट बढ़ेगी तो वो उसे अपोज करेगा, उसकी चार्जिंग होगी, करंट घटेगी तो फिर वो करंट की डिक्रीज को अपोज करेगा। क्लियर? ये पॉइंट पक्का है। अगला डिस्कशन आता है बच्चे यहाँ पर कि अगर मैं पूछूँ सर आप बोल रहे हो कि सेल जो है आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है, तो जो सोलेनोइड है आप कह रहे हो सर वो एक इंड्यूस ईएमएफ की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या सेल में कुछ स्टोर्ड एनर्जी भी होती है क्या, सेल में स्टोर्ड एनर्जी है? देखिए जैसे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी, तो आपने बोला हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो वैसे क्या सोलेनोइड में भी स्टोर्ड एनर्जी है? ये एनर्जी बेटा हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। कैसे आएगा जरा ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा, तुमने यहाँ पे करंट आई ली, ये एल लिया, ठीक है, ये टाइम टी की बात थी, टाइम बेटा थोड़ा सा चेंज हुआ, टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ उस पीरियड में, तुम्हारा टाइम टी से बढ़ के टी प्लस डी टी हो गया, तुमने उसी पीरियड में करंट भी बढ़ा दी। अब मुझे एक बात ऑनेस्टली बताना यहाँ पर, इस पीरियड में क्या आपको लगता है इस सोलनॉइड में कुछ ईएमएफ आया होगा? यस सर, ईएमएफ आएगा। ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, एल इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट तो बेटा डी टी टाइम में डी आई चेंज हुई है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो डी आई बाई डी टी हो गया। लेकिन एक चीज़ और हुई बच्चे, ध्यान से देखना, इसमें जो ईएमएफ आया वह ऐसे आएगा ना, करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चे, क्या ये जो सेल है इसके थ्रू भी कुछ चार्ज गया क्या? यस सर, कितना चार्ज गया इसके थ्रू? सर इसके थ्रू कितना चार्ज गया वो डिपेंड करेगा करंट और कितना पीरियड गया डीटी। तो याद है एक ज़माने में हम लोग पढ़ते थे वर्क डन बाय बैटरी, क्या होता था, वर्क डन बाय बैटरी होता था डी क्यू इंटू ई, कितना चार्ज आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लेके जाते हो वो वर्क डन बाय बैटरी होता था। उस वर्क डन बाय बैटरी से आपकी एनर्जी जो स्टोर्ड इन बैटरी होती थी वो कम होती थी। इस बार क्या है बेटा, आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो आपका जो वर्क डन होगा इस बार वर्क डन टू बैटरी होगा, क्योंकि आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो ना। ऐसे एंटर करते हुए करंट बोलो ना, पॉजिटिव से एंटर करंट करते हुए करंट के लिए बोलोगे वर्क डन टू बैटरी होगा, वर्क डन ऑन बैटरी होगा। इस बार जो आपने वर्क डन किया होगा उससे एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो बताइए कितना चार्ज गया, तो आपने बोला आई डी टी इंटू ई, ई लिखा, और ये आपकी थोड़ी सी एनर्जी, यहाँ जितनी एनर्जी थी यहाँ पे जितनी एनर्जी थी, अगर मैं लिखूँ ये एनर्जी यू थी, तो अब तुम्हारी करंट बढ़ने से एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी कितनी बढ़ी, तो डी यू, तो डी यू इक्वल हो गया ई इंटू क्यू ही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है बेटा। अब आपने कहा कि सर ज़रा देखिए, अगर मैं डी यू लिखता हूँ और ये आई डी टी इंटू ई है, तो मैं इंटीग्रेट करूँ, मेरी बात समझोगे, शुरू में करंट ज़ीरो रही होती तो आप बोलते सर उस समय एनर्जी भी नहीं थी, क्योंकि जब करंट ही नहीं है ना, फ्लक्स है ना ई एम एफ है, कुछ भी नहीं, तो एनर्जी भी ज़ीरो थी। थोड़ी करंट आई गेन करने का एनर्जी कितनी हो गई यू, तो यू लिखा, अब इंटीग्रेशन बच्चे कितना आ गया आई डी टी। तो एक बच्चे ने ऑब्जेक्ट किया, सर डी टी था तो लिमिट आई की रखते, जरा ई तो लिखो, एल कितना है, ई कितना है, एल डी आई बाई टी, डी टी कैंसिल, तो टेक्निकली बच्चे एनर्जी कितनी होगी, एल आई डी आई अंदर आ गई ना, ये एक छोटा सा स्टेप में एनर्जी बढ़ी है, और एनर्जी कहाँ से कहाँ तक लेके जानी, जीरो से आई तक। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बच्चे क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर? सोलनॉइड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी जो होगी बच्चे कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। जब आप करंट की ग्रोथ ले रहे होगे बच्चे, बताओ ना वो बात सही बैठ रही नहीं बैठ रही है, अगर करंट की ग्रोथ होगी तो एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगी, एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगी तो चार्जिंग होगी, और कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो ये बात लेंज लॉ से भी सही, कि करंट की ग्रोथ हो रही होगी तो अपोज करेगा, और एनर्जी के कॉन्सेप्ट से सही है, करंट बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी चार्जिंग होगी।
अगर करंट डिक्रीज करेगी तो एनर्जी डिक्रीज करेगी तो मेरा सेल जो होगा डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो करंट भले इधर जा रही तो अब सेल के अंदर एनर्जी स्टोर कम होती जाएगी। तो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से अगर करंट बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी के पर्सपेक्टिव सोचोगे तो करंट घटेगी तो एनर्जी घटेगी। क्लियर? तो ये एनर्जी आ गई बेटा हाफ एल आई स्क्वायर। इसी के साथ साथ बच्चे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी। ठीक, जैसे आपने कैपेसिटर में पढ़ा था वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, याद आ रहा है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला स्पेस में वैक्यूम में कितना था? हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर। और अगर आप किसी मीडियम में डायलेक्टर के पढ़ते थे तो फिर हम एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करते थे। अब मेरे पास जो सोलेनोइड है बच्चे, दिख रही है? अगर आइडियल सोलेनोइड होती है, आपने उसके जो टर्न्स लिए बहुत पास पास लिए हैं, तो बाहर वाली फील्ड कैंसिल, यहाँ फील्ड है नहीं, यहाँ फील्ड है नहीं। और मेजर फील्ड बेटा कहाँ पर है आपकी? अगर करंट ऐसी है तो मेजर फील्ड आपकी सिर्फ सोलेनोइड के अंदर है ना, एंड इफेक्ट को मैं कंसिडर नहीं कर रहा, ये सब एंड फील्ड अंदर है। तो अगर मैं पूछूँ बेटा ये जो तुम्हें वॉल्यूम दिख रहा है ना, दिखा? मैं आपको एक वॉल्यूम बना के दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम दिखा? इस वॉल्यूम में एनर्जी होगी ना, तो मैं पूछूँ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बेटा बोलो, एनर्जी कितनी थी? हाफ एल आई स्क्वायर, वॉल्यूम लिखा हाफ एल, एल कितना था बच्चे? आज ही पढ़ा था म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू आई स्क्वायर, तो ये वी आ गया, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसिल, सेम वॉल्यूम की तो बात कर रहे हो ना, सोलेनोइड के अंदर वाला वॉल्यूम दिख रहा है, तो ये आपके पास वी आ गया। तो आपने कहा सर इसको अगर मैं कट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो तो ऊपर वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू म्यू नॉट, और ये आपके पास हो गया बेटा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर बड़ा अच्छा सा आंसर हो जाएगा अगर मैं म्यू नॉट एन आई को इंटरप्रेट करूँ तो, तो म्यू नॉट एन आई को इंटरप्रेट करोगे तो वैल्यू क्या हो गई? बी स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बेटा याद हो तो कितना था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, नो डाउट ये वैक्यूम के लिए था। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो क्या होगा? बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, सबको पता है बेटा ये वैक्यूम के लिए। अगर आप मटेरियल लोगे है ना, मान लो डायलेक्ट्रिक लिया तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आर या के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आपने मैग्नेटिक मटेरियल डाला तो नीचे म्यू आर आ जाएगा। क्लियर? नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएंगे लेकिन फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, पर अभी हम फॉर्मूला केवल किसके लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैक्यूम में। डन। तो हमने जो डिस्कशन इस पार्ट में कवर किया, पहले तो हमने न्यूमेरिकल्स को देखा कि एल कैसे, एल से कैसे सेल इंड्यूस होता है। अब सबको पता है, देखो अच्छे से पर्सपेक्टिव सोचो कि भाई अगर तुम्हें दिया गया यहाँ पे कि करंट बढ़ रही है तो चार्जिंग हो रही है, क्योंकि करंट एनर्जी हाफ एल स्क्वायर होती है, हाफ एल स्क्वायर के अकॉर्डिंग करंट बढ़ रही है तो चार्जिंग होगी, चार्जिंग होगी तो बैटरी ऐसे आएगी। क्लियर? करंट ऐसे जाएगी, बैटरी ऐसे आनी चाहिए। डन है? पक्का? तो ये हमने सोलेनोइड का डिस्कशन कवर किया यहाँ पर, उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी भी पढ़ी, उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। ठीक है?